बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व जय जय प्रभुपा प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म राज हरिनाम संकीर्तन की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रमाण हरि हरि बो हरे कृष्णा
कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः पंस्त्वत्कं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्प्रायेषु भद्रेषु नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भक्ति नैष्ठिके हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ठीक है उच्चारण करिए
भागवत लेके जाइए, विलंब क्यों? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 10 अध्याय 5 श्लोक संख्या 1 अध्याय 5 पांचवा अध्याय। श्लोक संख्या प्रभु जी कितना है? 1 पांचवा अध्याय पहला श्लोक। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 10 अध्याय 5 श्लोक संख्या 1 एवं 2। श्री शुक वाच नंदत्वात्मज उत्पन्ने जाता है महामना आहुय विप्रान वेद ज्ञान स्नात सूची अलंकृत वाचित्वा स्वस्तन्यम जातकर्म अतम जस्यवे कार्यमाश विधि विधिवत्ता। क्या है विधिवत्ता? एक मिनट। विधिवत वाचित्वा स्वस्त्यनम् जातकर्म आत्मजस्यवे कार्यामाश विधिवत पितृदेवार्चनम् तथा। पढ़िए, कोई पढ़ेंगे माता जी में से कोई? ठीक है, शब्दार्थ पढ़ते। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा नंद महाराज तू निसंदेह आत्मजे अपने पुत्र के उत्पन्न होने में जात अभिभूत हुए आह्लाद अत्यधिक हर्ष महामनः विशाल मन वाले आहुय बुलाया विप्रान ब्राह्मणों को वेद ज्ञान वेदों के ज्ञाता स्नान करके शुचि अपने को शुद्ध करके अलंकृत सुंदर आभूषण तथा नए वस्त्रों से सज्जित वाचित्वा पाठ करके स्वस्ति अयनम ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्र जात कर्म जन्म उत्सव आत्मजस्य अपने लड़के का वे निशंदे कार्यामयाश संपन्न कराया विधिवत्ता वैदिक विधानों के अनुसार देव अर्चनम पूर्वजों तथा देवताओं की पूजा
तथा साथ ही साथ साथ ही साथ। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति ये श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नंद महाराज स्वभाव से अत्यंत उदार थे, अतः जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके पुत्र रूप में जन्म लिया तो वे हर्ष के मारे फूले नहीं समाये। अतएव स्नान द्वारा अपने को शुद्ध करके तथा समुचित ढंग से वस्त्र धारण करके उन्होंने वैदिक मंत्रों का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को बुला भेजा। अब ये योग्य ब्राह्मण शुभ वैदिक स्तोत्रों का पाठ कर चुके तो नंद ने अपने नवजात शिशु के जातक्रम का विधिवत संपन्न किए जाने की व्यवस्था की। उन्होंने देवताओं तथा पूर्वजों की पूजा का भी प्रबंध किया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य पढ़िए। ठाकुर ने नंद स्तुत शब्दों के महत्व को व्याख्या की है। उनका कहना है कि तू शब्द वाक की पूर्ति के लिए नहीं आया है, क्योंकि यह वाक तू शब्द के बिना भी पूर्ण है। अतः तू का प्रयोग किसी भिन्न भिन्न प्रयोजन से किया गया है। यद्यपि कृष्ण देवकी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, किंतु वासुदेव तथा देवकी जात कर्म का आनंद नहीं उठा पाए। उन्होंने इसका आनंद लिया नंद महाराज ने, जैसा यहाँ बतलाया गया है। नंद अस्तु आत्मज उत्पन्ने जात हादो महामना। जब नंद महाराज वसुदेव से मिले तो वसुदेव ने यह प्रकट नहीं किया कि तुम्हारा पुत्र कृष्ण तो वास्तव में मेरा पुत्र है, तुम तो आध्यात्मिक रूप से उसके पिता हो। कंस के भय से कारण वसुदेव कृष्ण का जात कर्म नहीं मना सके, किंतु नंद महाराज ने इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाया। जात कर्म नवजात शिशु के नाल काटते समय का उत्सव है, किंतु कृष्ण को तो नंद महाराज के घर ले जाया गया था, अतः इसके लिए कहाँ अवसर था। इस प्रसंग में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अनेक शास्त्रों के प्रमाणों से यह सिद्ध करना चाहते हैं कि कृष्ण ने यशोदा की कोख से जोग माया के पहले ही जन्म ले लिया था। नोट करिएगा ये पॉइंट, फिर से पढ़िए। इस प्रसंग में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नहीं नहीं वहां से नहीं, थोड़ा से ऊपर पढ़िए। इस प्रसंग में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक स्टेप मतलब थोड़ा, इस प्रसंग में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अनेक शास्त्रों के प्रमाणों से यह सिद्ध करना चाहते हैं कि कृष्ण ने यशोदा की कोख से जोग माया के पहले ही जन्म ले लिया था। नोट कर पा रहे हैं क्या? नोट कर रहे हैं, पहले ही जन्म उनका हो गया था। किनका? कृष्ण का। ठीक ठीक ठीक, आगे पढ़िए। इसलिए जोग माया उनकी छोटी बहन कही जाती है। भले ही नाल काटने के बारे में कुछ शंकाएं हो और भले ही कृष्ण का नाल न काटा गया हो, किंतु जब भगवान प्रकट होते हैं तो ऐसी घटनाएं यथार्थ मानी जाती है। कृष्ण ब्रह्म के नथनों से ब्राहदेव के रूप में प्रकट हुए थे, तो ब्रह्म को ब्राहदेव की पिता कहा जाता है। कार्याम आश विधवता शब्द भी महत्वपूर्ण है। पुत्र जन्म के हर्षित रेख के कारण नंद महाराज ने देखा ही नहीं कि पुत्र का नाल काटा अथवा नहीं। इस तरह उन्हें बड़ी ही धूमधाम से उत्सव मनाया। कुछ विद्वानों के अनुसार कृष्ण वास्तव में यशोदा के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। जो भी हो, हम इसे पचड़े में न पढ़कर यह मान सकते हैं कि नंद महाराज द्वारा कृष्ण के जन्म पर किया गया यह उत्सव उचित था। इसलिए उत्सव हर जगह नंद उत्सव कहलाता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्या चर्चा कर रहे थे? नंद तुवा मज उत्पन्ने जात आहिद महामना आहुय विप्र वेद ज्ञान श्नात सूचि अलंकृता। नंद तु आत्मज उत्पन्ने, बहुत सुंदर है ये श्लोक। क्या कह रहे हैं? नंद तु आत्मज उत्पन्ने।
सुखदेव जी कहते हैं, नंद तू आत्मज उत्पन्न, निसंदेह तू, मतलब यहां पे क्या कहा जा रहा है, निसंदेह नंद के आत्मज का जन्म हुआ है। आत्मज मतलब पुत्र। इस शब्द में सुखदेव जी ने बहुत बड़े तत्वों की बात कही है। यहां पर हमारे मन में ऐसी शंका होती है कि नंद बाबा के घर पे जो बालक था वह नंद का नहीं, वह वसुदेव जी का पुत्र था। कितने लोगों को लगता है कि वह वसुदेव जी का पुत्र था, और बाद में वसुदेव जी के यहाँ चल भी जाते हैं, चल जाते हैं ना, किनका पुत्र था वह, हैं, हैं, वसुदेव जी का। लेकिन यहाँ पे जो सुखदेव जी कह रहे हैं कि नंद तो आत्मज उत्पन्न, ये शास्त्र का आनंद है। परम पूज्य वृंदावन जन महाराज बहुत सुंदर कहते हैं कि अरे भक्ति का सुख तो बाद में मिलेगा, अभी शास्त्र का सुख तो ले लेना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? तो नंद तू आत्मज उत्पन्न, इस शब्द से सुखदेव जी ने बहुत बड़े तत्व की बात में क्लियर कर दी। हमारे मन में अक्सर ऐसी शंका होती है, शंका कि हम लोग कन्फर्म होते हैं कि नंद बाबा के घर पे जो बालक है ना, वह नंद बाबा का नहीं, वह किसका बालक है, वसुदेव जी का। लेकिन ऐसा नहीं है। इस तत्व का निरूपण सुखदेव जी एक श्लोक में करते हैं कि ये नंद का आत्मज है, नंद तू आत्मज उत्पन्न, ये नंद का ही पुत्र है। क्योंकि जिस समय, अब सुनिए, जो वहां पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जिसको कोट कर रहे थे उसको सुनिए, जिस समय यशोदा के गर्भ से जन्म हुआ उस समय दो संतान का जन्म हुआ, एक पुत्र और एक पुत्र। अब योग माया के कारण वसुदेव जी को कन्या का दर्शन हुआ और पुत्र का दर्शन नहीं हुआ, इसीलिए वसुदेव जी किनको लेकर के गए, कन्या को लेकर के गए। इसलिए यशोदा के पास दो पुत्र हो गए, और जैसे ही ये दोनों पुत्र एक स्थान पर आए तो दोनों पुत्र जुड़ गए, एक हो गए। अब चलिए, एक डाउट तो क्लियर है, अब ये दो पुत्र हैं कौन? अब देखिए, देवकी के गर्भ से जो बालक का प्रकट हुआ था, जो बालक आए हैं, वह भगवान विष्णु हैं, जिनकी प्रतिज्ञा है संभवामि युगे युगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं प्रत्येक युग युग में अवतार लेता हूं। अगर आप अवतार के विषय में पढ़े हो तो भगवान का एक अवतार होता है जिसको कहते हैं, कौन सा अवतार, युगा अवतार होता है ना, 24 अवतार की कथा में सुने थे ना, युगा अवतार। तो भगवान प्रत्येक युग में एक बार आते हैं, उसको क्या कहते हैं, युगा अवतार, है ना। तो जिनकी प्रतिज्ञा है कि मैं हर एक युग में इस पृथ्वी पर आता हूँ, दुष्टों का विनाश करता हूँ, धर्म की स्थापना करता हूँ, और साधु संतों को क्या देता हूँ, आनंद देता हूँ। तो उस समय युगा अवतार का समय हो चुका था। तो प्रत्येक युग में तो भगवान आते हैं, तो उस युगा अवतार का समय था, भगवान विष्णु को आना था। भगवान विष्णु सीधे लैंड किए कहाँ पे, कंस के काराकार में, देवकी के गर्भ से। और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, आप लोग तो जानते हैं ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है, जानते हैं ना, है? कली द्वापर त्रेता सतयुग, ये चारों युग जब 71 बार खत्म होते हैं तब एक मनवंतर की अवधि समाप्त होती है, और ऐसे 14 मनवंतर बीते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में आप जानते हैं कि एक बार कौन आता है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण इस पृथ्वी पर आते हैं। ब्रह्मा जी के हर एक चतुर्युग में नहीं आते हैं भगवान, ध्यान रखिए, 14वें मनवंतर में आते हैं, है ना?
ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार में आते हैं, और ब्रह्मा जी का एक दिन में साक्षात भगवान कृष्ण एक ही बार आते हैं। तो भगवान कब आते हैं? 14 मनवंतर के 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में। कब? 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में। उस समय कौन आते हैं? और वही अभी अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? 7वां ही चल रहा है ना, इसीलिए। और उसी में भगवान श्रीमान चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं। ये थोड़ा तात्विक बात है, समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? कुछ लोगों को नींद आ रही है, समझ में आ रहा है क्या? 7वें मनवंतर में, 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में, 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर आते हैं, और उसी के कलयुग में श्रीमान चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पर आते हैं। महाप्रभु का जो कृपा है, ध्यान रखिए, हर एक चतुर्युग में नहीं मिलता है कि प्रभु हम लोग इस बार अगर नहीं प्राप्त हुए क्या हुए, अगले बार जन्म लेंगे फिर कलयुग में तो उसमें प्राप्त करेंगे। नहीं, हर एक चतुर्युग में नहीं मिलता है। तो अगर आप गुना करें तो 71 चतुर्युग गुना 14 करने के बाद 984 चतुर्युग बीतने के बाद एक बार भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर आते हैं। कितना? 994 चतुर्युग बीतने के बाद। तो उस भगवान साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर गोलोक बिहारी सर्वपरि सर्वविहारी अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति कृष्ण के आने का भी समय हुआ, और युगा अवतार भगवान विष्णु का भी आने का समय हुआ। तो दोनों एक ही साथ इस धाम पे, इस धरा धाम पे आए। भगवान विष्णु अवतरित हुए कहां पर? देवकी के इधर। और गोलोक से भगवान आए कहां पर? यशोदा के इधर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां पे अलग अलग नहीं कर सकते हैं, केवल समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, दोनों ही विष्णु, एक विष्णु तत्व, कृष्ण तत्व। ठीक है, मतलब कहने की दृष्टि से तो विष्णु तत्व कृष्ण को वसुदेव जी मथुरा से गोकुल लेकर के आए, और जब जो यहां पर थे, जब दोनों एक साथ हो गए तो दोनों मिल जाए। अब आप कहेंगे प्रमाण, ग्रंथ के अनुसार से श्रीमद् भागवत और जीव दुख स्वामी के द्वारा लिखा गया गोपाल चंपो में, कवि कर्णपुर के द्वारा लिखा गया आनंद वृंदावन चंपो में भी इसका वर्णन किया गया है। और भागवत की लीला के अनुसार अगर आपको प्रमाण चाहिए, अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़िए। जब भगवान 11 वर्ष के हो जाते हैं तो उनको लेने के लिए कौन आता है? अक्रूर जी लेने आते हैं। ये लीला तो आप लोग जानते ही होंगे कि अक्रूर जी उनको लेकर के जा रहे होते हैं, और जाते जाते यमुना के तट पर पहुंचने के बाद कहते हैं कि थोड़ा रुको, मुझे गायत्री करनी है। याद है? मुझे गायत्री करनी है। बोलते मैं भी जाऊंगा, तो मैं बाहर जाकर के गायत्री करके आता हूँ, आप अगर आपको भी जाना है तो आप स्नान करो। बोले ठीक है। यक्रूर जी मतलब स्नान, ये क्षमा चाहूंगा, गायत्री करने के लिए अक्रूर जी यमुना में स्नान करने गए, और कृष्ण ने कहा कि हम भी स्नान करेंगे। अक्रूर जी और कृष्ण दोनों यमुना में स्नान करने के लिए उतरे हैं। अक्रूर जी ने कहा मुझे गायत्री करना है, आप स्नान करो, मैं बाहर जाकर के गायत्री कर लेता हूँ। अक्रूर जी यमुना से जैसे ही बाहर निकले और रथ के पास आए तो रथ पे भी किसको देखे? बोले अभी तो इसको यमुना में छोड़ करके आया, फिर रिटर्न गए यमुना में। तो यमुना में भी देखते हैं कि कृष्ण स्नान कर रहे हैं, फिर रिटर्न आए रथ के पास, फिर देखते हैं यहाँ पर कृष्ण बैठे हुए हैं, फिर जाकर के देखते हैं उनका तो माथा घूम गया। बोले जो रथ पे उसी को लेकर के भागते हैं, यमुना वाले को छोड़ो। समझ रहे हैं ना? तो कुछ समझ में नहीं आया, वह मतलब वह भूल गए और निकल गए। लेकिन सत्य बात यह है कि जो दो कृष्ण जन्म के समय एक हो गए थे, जब अक्रूर जी लेने के लिए आए तो जो मथुरा से आए थे ना, वे अक्रूर जी के साथ कहां चले गए?
और वृंदावन बिहारी ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर गोलोक बिहारी वो कहां रह गए? और उनकी ही प्रतिज्ञा है, क्या प्रतिज्ञा है? वृंदावनम परित्यज्यं पाद एकम न गच्छति। उस कृष्ण की प्रतिज्ञा है क्या? वृंदावन को छोड़ करके मैं एक कदम भी बाहर नहीं रखूंगा, कभी नहीं रखते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन ब्रज को छोड़ करके कभी बाहर नहीं जाते। और इसी बात को नरसिंह मेहता भी ने कहे ना, मारो वन रावण छेड़ूढ़ो वे कुंठ नहीं रे मारो। थोड़ा गुजराती है, समझ में नहीं आएगा है? लेकिन उन्होंने कहा, क्या कहा? हे मारो वन रावण छे रूढ़ो वे कुंठ नहीं रे मारो, मारो वन रावण छे रूढ़ो वे कुंठ नहीं रे मारो, हे नहीं आओ हो नंद जिया लाल रे वैकुंठ नहीं रे आओ, अगर आप लाल गोविंद ठाकुर जी की कथा सुने होंगे तो अक्सर ये गीत गाते रहते हैं। इस भागवत गीता के सार को नरसिंह मेहता एक छोटे से भजन में सरलता से छुपा दिया। क्या कहते हैं? मारू वन रावण छे रूढ़ू वैकुंठ नहीं रे आओ। उस वृंदावन के कृष्ण की प्रतिज्ञा है कि वृंदावन को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मथुरा भी नहीं जाऊंगा, द्वारका भी नहीं जाऊंगा, वैकुंठ भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो वृंदावन ही अच्छा लगता है। हे नहीं आओ हो नंद जिया लाल रे वैकुंठ नहीं रे मारो, वन रावण छे रूढ़ो वे कुंठ नहीं रे आओ। तो इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं नंद तो आत्मज उत्पन्न है। अब इसमें भेद नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान ही अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, तो हम भेद नहीं कर सकते हैं। गर्भोदक साय विष्णु, शिरोदक साय विष्णु, कारणोदक साय विष्णु, है ना, भेद नहीं कर सकते। तो ये अद्भुत बालक है। और ध्यान रखिए, फिर बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि भाई ये जो कृष्ण है ना, जो नंद के आत्मज है ना, वो मतलब ये अद्भुत बालक है, उनका स्वभाव ही है एकमात्र प्रेम करना। प्रेम करने के अलावा वो और कुछ नहीं जानते हैं। आज तक प्रेम के अलावा कृष्ण ने किसी को और कुछ दिया ही नहीं है, किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा है। फिर कहेंगे ये बकासुर अगासुर पितना को किसने मारा? जो मथुरा से आया था ना, उन्होंने मार दिया। समझ रहे हैं? कृष्ण तो मात्र प्रेम करना जानते हैं, उनका स्वभाव ही प्रेम। आप तो जानते ही हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट, वो प्रेम से प्रकट होते हैं, है ना। तो उस हरि को यदि प्रकट करना होता है तो उनसे प्रेम करना होगा। बड़े बड़े संत महात्मा गण अपने आंखों में प्रेम का अंजन लगाकर रात दिन भगवान को देखते रहते हैं, रात दिन। और जो लोग भगवान से प्रेम नहीं करते ना, वो भगवान को नहीं देख पाते। आज भी आप ध्यान रखिए कि आज भी वृंदावन में भगवान नित्य लीला कर रहे हैं, नित्य लीला कर रहे हैं। और आज भी जो संत हैं वह दर्शन कर पा रहे हैं। फिर आप कहेंगे हम क्यों नहीं देख पाए? क्यों? माया जवनिका आच्छन्न, कुंती महारानी कहती ना, क्या माया जवनिका आच्छन्न, मतलब माया का क्या लगा हुआ है? पर्दा लगा हुआ है। इस वजह से
नहीं देख पा रहे। अब मैं कथा कर रहा हूँ, एक उस सामने पर्दा लगा दिया जाए तो दिख पाई नहीं। तो जो लोग भगवान से प्रेम नहीं करते ना, वही वे प्रश्न उठाते हैं कि भगवान होते तो दिखते, खाते, पीते, सोते, लेकिन भगवान हैं। और आज भी जो प्रेम करते ना भक्तों भगवान से, वह भगवान को देख पाते हैं। अब तो जानते ही आचार्य गण लिखते भी हैं। क्या लिखते हैं? कौन कहते हैं भगवान, गा दो। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम, केशवम कृष्ण दामोदर राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। विस्तृत रूप में नहीं गाया, समय तो हो चुका है, 10 मिनट और करेंगे फिर विराम देंगे। तो भगवान खाते हैं, आप उनको खिला करके तो देखिए, ठीक है। सबरी बनने की आवश्यकता नहीं है, जूठा मत खिलाइए क्योंकि वैसा भाव हमारा है नहीं, है ना, समझ रहे हैं? सिंपल बजाइए, ज्यादा मत छेड़छाड़ करिए, है ना, क्योंकि शबरी को मातंग ऋषि कह के गए कि भगवान आएंगे तो ना जाने कितने सालों तक लगातार रास्ते में फूल बिछाती रही और बैराती रही। हमारा हमें बोल के जाएंगे गुरु महाराज एक दिन, देखेंगे हम लोग, अरे आज तो शाम हो गया नहीं आए, थोड़ा सा विश्वास जगमगाना शुरू, दूसरे दिन अब नहीं आएंगे, आज नहीं आए तो छोड़ दूंगा कल से, तीसरे दिन खत्म। तो ऐसा नहीं, शुरुआत में हमें विधि भक्ति करनी चाहिए, जो शास्त्र में कहा गया है उस अनुसार से नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है, कि भाई भगवान का थाली और हमारा थाली एक होगा कि अलग होगा, हाँ बताइए, अलग होगा। भगवान का बर्तन और हमारा बर्तन एक होगा कि अलग होगा, अलग होगा। भगवान का बर्तन धोने का स्थान हम एक होगा कि अलग होगा, अलग होगा। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ तक कि भक्तों को भगवान के किचन में
अपना जूठा बर्तन भी रखने का अलाव नहीं है, उसे बाहर रखना चाहिए। हम लोग क्या खाते हैं, एक थाली और एक गिलास तो चाहिए, तो उसको बाहर ही रखने का प्रयास करना चाहिए। तो कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान ऐसे ही मिल जाए। कई बार संसार के कुछ अबुद्ध जीव कहते हैं कि यदि भगवान है तो दिखाओ दिखाओ, ऐसे भगवान को देख पाएंगे। हम कहते हैं देखो, भगवान से, भगवान के लिए भगवान को देखना है तो प्रेमा भक्ति करनी होगी, बोले नहीं हमको भगवान दिखाओ अगर है तो। अगर है भगवान तो यहाँ प्रकट है, प्रकट हो, नहीं तो हम नहीं मानेंगे कि भगवान है। अब मान लीजिए धर्मपुरा का कुछ दो चार कुत्ता लोग आ जाए यहाँ पर, वो देखिए दो चार घूम रहे पीछे, देख रहे ना, वो लोग खड़ा हो जाए, अगर है बिहार का मुख्यमंत्री तो हमें यहाँ पे आकर के प्रकट हो, नहीं तो हम मानेंगे कि बिहार में मुख्यमंत्री नहीं है। तो इन कुत्तों के भूखने से क्या हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ आ जाएंगे, आ जाएंगे क्या? नहीं आ जाएंगे। तो कुछ मूर्ख लोगों के इस प्रकार के प्रश्न करने से कि अगर भगवान है तो आकर के दिखाएं, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा कि भगवान है, तो उनकी हालत इन किसके जैसी है, कुत्तों की तरह है। समझ लेना चाहिए। अब कुछ चींटियां अगर जमा होकर के गए कि हम नहीं मानते मनुष्य का कोई अस्तित्व है, तो उनके मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है बताइए, कोई फर्क पड़ेगा? महाराज कहते हैं कि मनुष्य अगर एक बार कुल्ला भी करेगा तो ना जाने कितने चींटियों का घर ध्वस्त हो जाएगा, उनको लगेगा कि बाढ़ आ गया है। समझ रहे? तो इस संसार में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो होते हुए भी नहीं दिखाई देती है, तो क्या नहीं आती है? तो अचिंत्य आध्यात्मिक तत्व भगवान कैसे दिखाई देंगे, तो उस भगवान को देखने के लिए कुछ करना होगा, कुछ मेहनत करनी होगी, कि नहीं करनी होगी, नहीं तो फिर नहीं होगा। भागवत के छठे स्कंद में कहा गया ना, आठवें अध्याय में, आठवें स्कंद, यथा अग्निम येधसि अमृतस चगोषु भुवि अन्नम अम्बुदमणि वृत्तिमम योगे मनुष्य अधियंति ही त्वं गुणेषु बुद्ध्या कविः वदन्ति। लकड़ी में अग्नि है, अब मैं अगर लकड़ी ला करके कहूं इसमें अग्नि दिखाओ, दिखेगा? नहीं दिखेगा। उस अग्नि को प्रकट करने के लिए कुछ, समझ रहे हैं क्या करना पड़ेगा प्रभु जी बताइए, कुछ क्रिया करनी पड़ेगी, या तो उसे घर्षण करेंगे तो भी अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। तो मतलब प्रकट करने के लिए कुछ ना कुछ क्रिया करनी पड़ेगी। जैसे गाय में दूध है, लेकिन उस गाय को दूध निकालने के लिए कुछ करना पड़ता है। भूमि में अन्न है, लेकिन उस अन्न को निकालने के लिए, जो चावल दाल खा रहे हैं किसका रूपांतरण है, पृथ्वी का ही रूपांतरण है ना, है कि नहीं? तो उसको प्रकट करने के लिए कुछ क्रिया करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है, है ना? तो लकड़ी में अग्नि है, गाय में दूध है, भूमि में अन्न है, लेकिन उसे निकालने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से इस संसार में भी भगवान है, तो उनके वो अगर देखना है, उन्हें प्रकट करना होता है, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करना पड़ेगा। और वह मेहनत क्या है, सबसे पहले मेहनत क्या है, फोन साइलेंट होना चाहिए अगर आप यहाँ रहते हैं तो, स्टेज पे किसी का फोन नहीं बजना चाहिए। बजना नहीं चाहिए, जिसका ध्यान रखिए। तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ सत्संग करनी पड़ेगी, कुछ भक्ति खुद से करनी पड़ेगी, तब जा करके हो पाएगा, नहीं तो फिर नहीं संभव है, है ना? कुछ लोग कहते हैं, अभी जैसे प्रश्न हुआ कि प्रभु जी कुछ लोग दूर से आ रहे हैं कथा सुनने के लिए, शाम को नहीं आएंगे। थिएटर कितना भी दूर हो जा सकते हैं, अभी संतोष जी उदाहरण दिए कि ऑर्केस्ट्रा कितना भी दूर हो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके भुर्र भुर्र करके पहुंच जाते हैं, और जा करके पैसे भी उड़ाते हैं, सूट 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 सूट, हमने देखा है पहले, हम तो कभी गए नहीं, कभी इच्छा ही नहीं थी हमारी जाने की, लेकिन देखा है कि ऐसे लोग करते थे।
तो सत्संग कहीं भी उसमें जाना चाहिए। अब देखना चाहिए कि सत्संग करने वाला व्यक्ति क्या कहते हैं उसको, असत्संगी तो नहीं है, नहीं तो सत्संग उसको भी कहते हैं जहाँ पर लोग भगवान को कहते हैं भगवान है ही नहीं, भगवान निराकार है, उसको भी सत्संग कहते हैं, तो वो सत्संग नहीं है। ठीक है, वैसे स्थान से भागना चाहिए। ठीक है, सत्संग के लिए सौराष्ट्र के राजा रघुगण सौराष्ट्र से गंगा सागर गए। महाराज परीक्षित दिल्ली हस्तिनापुर छोड़ करके कहाँ गए, हरिद्वार गए इस सत्संग के लिए। और भोलेनाथ कहाँ गए, कैलाश से लेकर के साउथ इंडिया, है ना, एकदम ऊपर रहते हैं नॉर्थ में और वहां से नीचे, है ना। एक बात कुंभज ऋषि पाही शंभु गया हूँ, क्या है, एक शंभु गया हूँ कुंभज ऋषि पाही एक बार त्रेता युग माही, शंभु गया हूँ कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गया हूँ कुंभज ऋषि पाही, शंभु गया कुंभज ऋषि पाही। भोलेनाथ गए कहाँ, कुंभज ऋषि के पास, उत्तर में कैलाश में रहने वाले भोलेनाथ दक्षिण में रहने वाले कुंभज ऋषि के पास गए, है ना। सत्संग जितना दूर हो उसका लाभ मिलना चाहिए, है ना। तो जितना दूर हो, भारत के संतों ने इसलिए कहा ना, संत मिलन को चाहिए तजीमान अभिमान, एक एक पग आगे धरे आगे, कोटि नयज्ञ समान। संत मिलन को चाहिए तजिमान सम्मान, ये जो मान अभिमान है उसको त्याग कर दास बन करके सत्संग में जाए। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया और द्वापर युग में जब किसी राजा का यज्ञ पूर्ण होता था तो राजा के राज्य के मंदिर की घंटियां बजने लगती थी। महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया लेकिन घंटी नहीं बजी, परेशान हो गए, कृष्ण के पास गए, प्रभु यज्ञ किया, अनेक साधु संत आए, उनको भोजन कराया, सब कुछ हुआ लेकिन घंटी नहीं बजा। भगवान ने कहा देखो युधिष्ठिर कोई भूखा रह गया होगा। युधिष्ठिर ढूंढने निकले, यमुना के तट पर एक साधु भूखा बैठा था। युधिष्ठिर महाराज ने कहा महाराज आप आओ ना, भोजन करो ना मेरे घर, मेरा यज्ञ अधूरा है। साधु ने कहा मैं नहीं आऊंगा। बोले महाराज आप आने का क्या लोगे, बोले 100 यज्ञ का फल लूंगा तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा जीवन में पहला यज्ञ कर रहा हूं, आपकी कृपा से अधूरा है, 100 यज्ञ का फल कहां से लाके दूं बताइए। तो वो गए निराश होकर, युधिष्ठिर वापस गए तो चिंतित थे। देवी द्रौपदी ने कहा पतिदेव क्या हुआ, बोले वो देखो साधु नहीं आया। बोले महाराज मैं जाऊं, आपकी आज्ञा, बोले जाओ। बोले मेरे मनाने से नहीं माना, तुम मनाओगे तो मान जाओ, बोले देखते। द्रौपदी गई साधु के पास, बोला महाराज आप आओ ना। साधु ने कहा मैंने तेरे पति को 100 यज्ञ का फल मांगा दिया, नहीं तो नहीं जाऊंगा। द्रौपदी ने कहा मैं देती हूँ, चलो मैं आपको 100 यज्ञ का फल देता हूँ। साधु ने कहा जीवन में पूरा परिवार मिलके पहला यज्ञ कर रही हो, मैं 100 यज्ञ का फल कहाँ दोगी। तब द्रौपदी ने कहा महाराज लगता है आप शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, शास्त्र का वचन आपको पता नहीं है, संत मिलन को चाहिए तजिमान अभिमान, एक एक पग आगे धरे कोटि न आगे समा। हमारे यहाँ पे अनेकों साधु संत आए हैं, अनेकों साधु संतों का समाज एकत्रित हुआ है, सत्संग हो रहा है, आप वहां चलिए। शास्त्र में लिखा गया है सत्संग में जाते जाते एक एक कदम क्या है, 100-100 एक एक कदम करोड़ों यज्ञ के फल दे देता है। तो महाराज आप 100 यज्ञ का फल रख लेना, बाकी का मुझे दे देना, चलो। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर गोकुल में आनंद हो रहा है, बहुत सुंदर भगवान गोकुल में है और
यह बात तो हर जगह फैल चुकी थी आकाशवाणी के द्वारा कि वसुदेव जी की आठवीं संतान मृत्यु का कारण बनेगी और वसुदेव के यहाँ पुत्र का नहीं कन्या का जन्म हुआ है, इसलिए कंस कुछ ना कुछ तो अत्याचार अवश्य करेगा। तो नंद बाबा ने सोचा कि इस मथुरा मंडल का राजा कंस है और कंस के अनुचर गोकुल में कर वसूल करने के लिए आए, उससे पहले ही हमें वहां जा करके क्या करना चाहिए, कर दे देना चाहिए, क्योंकि कंस के अनुचर आ गए तो पता चलेगा कि यहाँ बालक का जन्म हुआ है। कंस तो पापमती है, दूर बुद्धि है, वो इस पर जरूर प्रहार करेगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, गोपान गोकुल रक्ष्याम नृप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुं कुर उद्वह। गोपान गोकुल रक्ष्याम निरुप्य मथुराम गतः, गोपों की रक्षा करने के लिए, गोकुल की रक्षा करने के लिए नंद बाबा मथुराम गतः कहाँ गए, मथुराम गतः। देखिए सुखदेव गोस्वामी भी मथुरा नहीं जाना चाह रहे हैं, वो अपने आप को गोकुल में बिठा करके रखे हैं और क्या कह रहे हैं, नंद बाबा मथुराम गतः, नंद बाबा मथुरा गए, मैं गोकुल में ही हूं। नंद वहां जाना पसंद नहीं, गोकुल में ही रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण का जन्म जो हो चुका है। तो आज के सत्र को हम यही विराम देते हैं, ठीक है, कल आगे की कथा की जाएगी। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद। हरे हरे कृष्णा।